महाविकास अघाड़ी की ब्रजमुट बैठक का आयोजन किया गया है, लेकिन बीजेपी नेता कृष्णा खोपड़े द्वारा बैठक की अनुमति रद्द करने की मांग की जा रही है। जिस मैदान में बैठक हो रही है वह खेल के लिए आरक्षित है, इसलिए स्थानीय लोग और खिलाड़ियों का कहना है कि इस जगह पर बैठक नहीं होनी चाहिए। वहीं विधायक कृष्णा खोपड़े ने इस पूरे मामले को उठाया है। इस पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस तरह पहले भी सभा को किसी न किसी कारण से रद्द करने की कोशिश की गई, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी कड़े बंदोबस्त पहले से ही किए जा चुके हैं। त्या ग्राउंडची क्षमता काय याची आम्हाला संपूर्ण कल्पना आहे, आणि कृष्णा खोपडे साहेबांनी जे तिथे त्यांच्या माध्यमातून विरोध दर्शवण्याचं काम चालू आहे, त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी महासभा संभाजीनगरला झाली, सॉरी महाविकास आघाडीची जी महासभा संभाजीनगरला झाली, त्याचा धसका घेऊन बहुतेक बीजेपी काही लोकांना पुढे करून अशा पद्धतीचा विरोध करण्याचा प्रयत्न करते आहे। पण याच्या बाबतीत ऑलरेडी आम्ही परवानगी रीसर परवानगी ऑलरेडी घेतलेली आहे, पैसे भरलेले आहेत, आणि याच्या पहिलेसुद्धा त्या दर्शन कॉलनी ग्राउंडवर अनेक कार्यक्रम झालेले आहेत, त्याच्यामुळे तिथं राजकीय विरोध आहे एवढंच मला आपल्याला सांगायचं आहे।